4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, आज दो इम्पॉर्टेंट जो सीटें हैं MLC की जो रिक्त हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी में 11 बजे से लगातार बैठक चल रही है। और यहां पर बता दें, समाजवादी पार्टी के लगभग सभी विधायकों को यहां बुलाया गया है और लगातार ये बैठक का दौर जारी है। आपको बता दें, यहीं पर कहीं ना कहीं शिवपाल चचा को लेकर के भी बातें हो रही हैं कि शिवपाल क्यों नहीं है। और जो बैठक चल रही है, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इसको लेकर के भी आज मंथन हो रहा है लगातार। इसी के चलते जो समाजवादी पार्टी की जो शीर्ष नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनसे हम बात करेंगे, विधायकों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो बैठक चल रही है, इसमें उनका क्या कुछ कहना है और आज जो दो नाम जो सामने आने हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे। पालिका में समाजवादी पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, सबसे अच्छा। चैनल में भी मैंने आप लोगों के देखा है कि टाउन एरिया के सभासद, टाउन नगर के पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के सदस्य और पार्षद में समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों से जीती है और विपक्ष सबसे ज़्यादा सीटों जीता है और BJP बहुत कमज़ोर हुई है। लेकिन प्रचार BJP विज्ञापन के माध्यम से उल्टा करा रही है। अजय जी, नामांकन में पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, कीर्ति कोल के नामांकन में, क्या आपकी बार कोई ऐसी गड़बड़ी की संभावना तो नहीं है? तो जांच अधिकारी तो हम तो है नहीं, वो तो जांच अधिकारी बताएंगे जो लोग जांचते हैं। आपकी तरफ से ही पर्चे में गड़बड़ी हुई थी, जो पर्चा भरा गया? हाँ, मैंने स्वीकार किया था, मैंने स्वीकार किया था पिछली बार। तो अब की बार देख लिया है, जीत की उम्मीद है अध्यक्ष जी? हम तो अपने ज्ञान विज्ञान के हिसाब से बराबर सतर्कता बरते हुए कोई भी काम करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जीत को लेकर क्या कहेंगे जब चुनाव होगा? चुनाव अभी तो नामांकन हो रहा भाई। अब तो मतदाताओं से संपर्क होगा, मतदाताओं से प्रार्थना करेंगे, अपील करेंगे। जी, लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती बड़ी बैठक कर रही हैं। इसके पहले लोकसभा चुनाव में आपके साथ थी, 10 सीटें जीत कराई थी आप लोगों के गठबंधन के साथ। इस बार क्या लग रहा है, बैठक भी कर रही है इस बार? समाजवादी पार्टी जो वर्तमान में गठबंधन में लोग हैं, उनको लेकर लड़ेंगे और सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं और नामांकन करने कितने बजे जाएंगे? नामांकन 1 बजे। नाम क्या है सर प्रत्याशी? नाम अभी आ जाएगा। अरे आ गया है राज निर्मल, तब क्या बैठक करके आ गए? नहीं नहीं है, नाम है, नाम है निर्मल और राजभर हैं दो लोग। आप जब आप जान ही रहे हैं तो पुनः क्या, तो 1 बजे नामांकन होगा और ये समाजवादी पार्टी इस बात का संदेश पूरे प्रदेश में और देश में कि हम ये भारतीय जनता पार्टी दलितों के विरोधी है, वोट तो लेती है सरकार बनाने के लिए, दलितों की वोट लेती है, पिछड़ों की वोट लेती है, लेकिन जहां उनको सम्मान देने का सवाल होता है वहां किनारा कर लेती है। तो समाजवादी पार्टी इस बात का संदेशा पूरे प्रदेश और देश में देगी कि हम समाज के हर वर्गों का हितैषी हैं, उनके लिए विकास करते हैं और दलित और अति पिछड़ों और पिछड़ों की जो भारतीय जनता पार्टी उपेक्षा करती है, उसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। भाजपा उम्मीदवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री और सारे नेता बड़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी आपके उम्मीदवार के साथ जाएंगे? नहीं, विधानसभा हौसला जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। शिवपाल जी जा रहे हैं? सभी जाएंगे, क्यों अलग अलग पूछते हो? कहाँ कोई शंका है आपको? बैठक में शिवपाल सिंह नहीं आए ना? ये बैठक कोई ऐसी बैठक नहीं थी। तो कैसी थी? कोई अलग अलग विचारधारा मत रखो, बांटने का काम मत करो, बांटने का काम पार्टी करती है। तो आप लोग भी इस तरह के बांटने की बात मत करिए। पूरी पार्टी मजबूती के साथ एक साथ है और हमारे जो ऐसे दल थे जिन्होंने समझौता किया था, वो सारे दल एकमुश्त होकर के इस चुनाव में रहेंगे, मजबूती के साथ वोट देंगे और एक संदेश देंगे कि समाजवादी पार्टी और उसके जो दल हैं वो पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी उपेक्षा करती है दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की, हम उसके साथ हैं, खड़े हैं। ये संदेश नेताजी शिवपाल सिंह यादव को बुलाया नहीं गया था, ये आए नहीं, क्या है मतलब? आना चाहिए ना पहली बैठक। अब आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वो आए सब, पूछ लीजिए सबको। जो है हमारी पार्टी सबको सम्मान देती है, सबको आदर देती है, सभी एक साथ है, एक विचारधारा है,
कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं। राम जतन राजभर और राम करण निर्मल दो नाम सामने आए हैं जिस पर समाजवादी पार्टी दो नेताओं को लड़ाने वाली है एमएलसी सीट पर। और इस पर जब शीर्ष नेतृत्व से बात हुआ तो उन्होंने ये तक बताया 2024 के चुनाव को भी लेकर के लगातार तैयारियां जारी है और यहाँ पर जो मंथन हुआ है दो नामों को लेकर के, ये दोनों नामों को लेकर के शीर्ष नेतृत्व तो जाएगा साथ में, और जो पिछली बार जो चूक हुई थी एमएलसी चुनाव को लेकर के वो चूक किसी भी तरीके से होने नहीं पाएगी। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है चुनाव में। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।